डाइजेशन अथवा पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर यह सही है तो आप 90% तक बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि 100 में से 90 बीमारियों का कारण यही पाचन तंत्र होता है। लेकिन आयुर्वेद में पाचन को सही करने के लिए सैकड़ों विधि और दवाओं का उल्लेख है, जिनकी सहायता से आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पाचन तंत्र को मजबूत करने की आयुर्वेदिक विधि और आज के ज़माने में आयुर्वेदिक कंपनी की तरफ से आने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि पाचन तंत्र को सही करने के लिए हम आयुर्वेद का सहारा ही क्यों लें, क्योंकि आज के दौर में अंग्रेजी दवाइयों का चलन ज़्यादा है, तो आप क्यों आयुर्वेद की तरफ जाएं? इसका जवाब स्पष्ट है कि हमारी आपकी पहली पसंद और एकमात्र विकल्प आयुर्वेद ही है डाइजेशन के लिए, जो कि डाइजेशन को मजबूत कर सकता है। क्योंकि डाइजेशन शुरू होता है आपका खाना खाने से, और आप खाना कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, यह सभी जानकारी आयुर्वेद के अंदर गहराई से लिखी गई है। एक एक जानकारी आपके पाचन तंत्र को सही करने में सहायक है। अगर आप आयुर्वेद में बताए गए तरीकों में से मात्र कुछ उपाय भी करने लगेंगे तो आपके पाचन को काफ़ी आप मजबूत बना सकते हैं। बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो कि डाइजेशन को सही कर सकते हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूँ जिनके द्वारा आप अपने पाचन तंत्र को अपने भोजन गाने के तरीके के द्वारा ही मजबूत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ पीसना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप मिक्सर ग्राइंडर को 90% या पूरा 100% तक भर देंगे तो आपको क्या लगता है, मिक्सर ग्राइंडर उसे सही से पीस पाएगा? जवाब है नहीं। मिक्सर अत्यधिक भरा होने के कारण भोजन अपने आप बाहर की तरफ आने लगेगा और मिक्सर अपने काम को करने में विफल हो जाएगा। अगर मिक्सर को 75% तक भर देंगे तो वही मिक्सर जो कि पहले 100% तक भर देने के बाद खाने को पीस पाने में विफल हुआ था, अब वो अपनी पूरी क्षमता से उस चीज को अच्छे से पीस देगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके पास 25% जगह घूमने के लिए है। इसी प्रकार अगर आप अपने पेट में अगर जरूरत से ज्यादा या अत्यधिक भोजन करेंगे तो आपका खाना पच ही नहीं पाएगा और आपके पाचन तंत्र को गहरी चोट पहुंच सकती है। आयुर्वेद ने कुछ और उपाय बताए हैं, जैसे कि पहला, भोजन सदैव जमीन पर आसन लगाकर ही खाएं, जिससे आपका भोजन काफी आसानी से पचना शुरू हो जाएगा। नंबर दो, खाना सदैव सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप सोते हैं तब आपका शरीर अपनी कोशिकाओं को आराम देता है, उसे पुनः अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए ताकत प्रदान करता है, और अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो भोजन पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन आपके शरीर को वह जरूरी आराम नहीं मिल पाता, जिस कारण से कुछ समय बाद आपके पाचन तंत्र की हालत एक थके हुए और हार चुके इंसान जैसी हो जाती है। नियम नंबर 3, यह सभी जानते हैं कि भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन कोई नहीं करता, जिसके कारण पेट में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। डाइजेशन की शुरुआत आपके चबाने से होती है। अगर आप भोजन को अच्छे से चबाकर खाएंगे तो आपके पेट में जाने से पहले भोजन इतना बारीक हो चुका होगा, जिससे आपकी आंतों को कम परिश्रम करना पड़ेगा और खाना आधे से भी कम समय पच जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला हूं जिनके द्वारा आप काफ़ी आसानी से आप अपने डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रोडक्ट है वैद्यनाथ का त्रिफला जूस, जिससे दोस्तों आपके डाइजेशन तो इम्प्रूव होती ही है, इसी के साथ साथ अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है। प्रोडक्ट नंबर 2, झंडू का एलोवेरा जूस, जिससे दोस्तों आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, आपका डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है सही रहती है। प्रोडक्ट नंबर 3, झंडू पंचारिष्टा, जो ये खास तौर पर डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए झंडू जैसे एक बड़ी ब्रांड की तरफ से आता है, जिसे आप काफ़ी सस्ते दामों में बाय कर सकते हैं और जिसके कारण आपको डाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी कोई भी समस्या अगर है तो दोस्तों ये सभी आप जो है काफ़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।